अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हसी माजी है फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही अहम वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत मालूमती है। तो हमारे यहाँ पे दो हर्ब्स पाए जाते हैं जो वाइडली यूज़ होते हैं, स्पेशली वेस्टर्न एक हर्ब है और एक हमारे जो है लोकल हर्ब है। तो दोनों ही आजकल वाइडली यूज़ हो रहे हैं। वेस्टर्न जो हर्ब है वो भी यूज़ हो रही है और जो है हमारी ईस्टर्न हर्ब वो भी यूज़ हो रही है। ईस्टर्न हर्ब तो हमारे पास है धनिया, जिसे सरेंटो कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा है पार्सले। पार्सले और सरेंटो में लोग गड़बड़ कर जाते हैं और दिखने में दोनों तकरीबन सेम होते हैं। आज मैं आप लोग को इसका फ़र्क बताऊंगा कि धनिया में क्या फ़र्क है और पार्सले में क्या फ़र्क है, यानी सरेंटो में क्या फ़र्क है पार्सले में क्या फ़र्क है। दोनों के जो तकरीबन सेम लगती हैं। पहले मैं आपको धनिया का जो है खसूसियत बताऊँगा, उसके पत्ते दिखने में कैसे होते हैं और उसकी जो फ्रेगरेंट क्या है, उसकी स्मेल कैसी होती है। फिर उसके बाद मैं आपको पार्सले का बताऊंगा। दोस्तों जो सिलेंटो के पत्ते होते हैं ये कर्व में होते हैं, गुलाई में होते हैं। दिखने में जब इसे देखते हैं हम, जो जहाँ पे इसका एज ख़त्म हो रहा था वहाँ ये कर्व ले लेती है, गुलाई में, यानी गुलाई में पत्ते होते हैं। स्क्रीन में आपको दिखा भी दूंगा। तो दूसरा जो इसका जो फ्लेवर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी बड़ा तेज़ होता है एज़ पर पार्सले से। पार्सले का जो माइल्ड होता है थोड़ा, तो जो धनिए का खुशबू है वो थोड़ी तेज़ होती है और सिट्रिसी होती है, जो उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। दोस्तों ये एवरेज ग्रीन में होती है, यानी पैरेट से पैरेट कलर की तरफ से लेके दरमियाने जो है सब्ज़ कलर की होती है, यानी ज़्यादा गहरा नहीं होता। और इसकी जो मैंने खुशबू आपको बता दी है बहुत फ्रेग्रेंट वाली होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। चलो दोस्तों अब आते हैं पार्सले की तरफ। आप स्क्रीन में दोनों में फ़र्क देख सकते हैं, सिलेंटो में भी फ़र्क देख सकते हैं, पार्सले में भी। और पार्सले के जो पत्ते होते हैं दोस्तों वो पॉइंटी होते हैं, यानी जहाँ पे वो उसका एज जो एंड हो रहा होता है वो नोक वाला होता है। सबसे जो बड़ा फ़र्क इनका यही है। तो बड़ी आसानी के साथ दोनों में आप फ़र्क कर सकते हैं, धनिया में और पार्सले में उनके पत्ते देख के। और इसका दोस्तों टेस्ट होता है थोड़ा लाइट होता है, खुशबू भी इसकी जो लाइट होती है, स्मेल इसकी लाइट होती है। जो इसका टेस्ट होता है थोड़ा घास की तरह का होता है, जैसे आप कोई ग्रासी तना वाली चीज़ खा रहे हैं। एज़ पर जो धनिया और पार्सली की खुशबू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको वह दोनों मौजूद हो, आप इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे, तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि जो इसके सिलेंटो के पत्तों से आप आसानी के साथ इसे कंपेयर करके पहचान सकते हैं पार्सले को। पार्सले के मैंने जैसे आपको बता दिया है कि नोकदार पत्ते होते हैं, एजिज से नोकदार होते हैं, और जो सिलेंटो के होते हैं गुलाई की तरफ होते हैं। और दोस्तों इसका जो कलर होता है पार्सले का गहरा सब्ज होता है एज़ पर कंपेयर सिलेंटो से, और जो सिलेंटो के पत्ते चमकदार होते हैं और ये जो पार्सले होते हैं गहरे सब्ज होते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी के साथ अब दोनों में फ़र्क कर लेंगे, सिलेंटो में भी और पार्सले में भी। सिलेंटो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे साउथ एशिया में यूज़ होता है, और जो पार्सले है वेस्ट की जितनी कुजीन है, इटालियन कुजीन, फ्रेंच कुजीन और अरेबिक कुजीन में इस्तेमाल होता है। लेकिन आजकल यहाँ भी बड़े अच्छे तरीके के साथ से सीजनिंग में यूज़ किया जा रहा है, स्प्रिंकल से किया जाता है मुख्तलिफ खानों में, डिशेज में पार्सले को भी। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है मेरी छोटी सी मालूमती वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइंदा मैं फिर आपके लिए कोई डिफरेंस वाली वीडियो लेकर आऊँगा मालूमती। आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जल्द आप प्लीज़ टेक केयर।